पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल इसका उत्तर वो बहुत अच्छी बात है। आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। जुम करो। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से। देखिए क्या हाल कर दिया है, 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी, FDI बहुत आया। और चाइना 2-2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई FD पे 4%, महंगाई 16%, व्यापार बहुत हो रहा है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट, FDI बहुत आ रहा, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई, 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था और टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। लवणेन भोज्यम। मजा आया। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सिस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? नहीं। थोड़ी मर्यादा रखिए। किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1,000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे वायदे हुए थे क्या, किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे। इमोशनल डैमेज। आई एम आउट ऑफ द रेस्ट बबल वाटर्स। बहुत अच्छा काम चल रहा है, FDI बहुत आ रहा है, भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से। लूट लिया। जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व है ये केवल और केवल युवाओं के भविष्य को बर्बाद करेगा। देश संकट में है।